हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे इस सैमसंग फुली लोडेड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स है और ये कैसे वर्क करते हैं और आपको इन सब को कैसे हैंडल करना है। सो आज की वीडियो में मैं आपको इसकी डिटेल में जानकारी देने वाली हूँ। सो आप इस वीडियो तक एंड तक देखिए। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि आप देख रहे हो, ये सिल्वर और मरून कलर में वॉशिंग मशीन है। सो फ्रेंड्स, ये फुल्ली लोडेड है, फुल्ली लोडेड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। मतलब आप यहाँ पर धो भी सकते हो और सुखा भी सकते हो। सो ये इसलिए आप देख सकते हो, और इसका जो एक स्ट्रक्चर है अंदर का स्टील का है, और यहाँ पर आप जो भी डिटर्जेंट आप डालना चाहते हो, यहाँ पर आपको डिटर्जेंट डालने के लिए ये बॉक्स मिला है। इसकी जो कैपेसिटी है वो 6.5 kg है। अब आते हैं इसके फ्यूचर पर। जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे बटन्स हैं। सो इसको कैसे आपको ऑपरेट करना है मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। जब आप वॉशिंग मशीन लेकर आओगे तो इंस्टॉलेशन वाले, मतलब ये कंपनी वाले खुद आकर आपको इंस्टॉल करके देंगे। तो आपको सिर्फ यहाँ पर टैप प्लम्बर से लगवाना होगा, पहले ये प्लम्बर से करवाना होगा और बाद में ये कैसा करना है वो करके देंगे। उसके बाद जो फ्यूचर्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर पावर बटन है ऑन ऑफ करने की, अगर आप प्रेस करते तो ये ऑन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर पावर ऑन करने के बाद स्टार्ट और पॉज की ये बटन है, दो टू इन वन है। तो यहाँ पर हमको स्टार्ट करना है और अगर रुकना है तो पॉज की बटन भी देनी है। अब आपको राइट साइड में कुछ बटन्स दिखाई देंगे, जैसे कि यह फर्स्ट एड, नॉर्मल, क्विक वॉश, डेलिकेट, सोक प्लस नॉर्मल, ब्लैंकेट, इको टर्बो, साइकिल और डी डी। सो इन फ्यूचर को आप अपने कपड़ों के क्वालिटी के अनुसार इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको डेली वॉश के लिए कपड़े डालने हैं, जैसे आप अगर सोक कर रखते हो और आपको डालना है तो नॉर्मल है। क्विक वॉश मतलब ये यहाँ पर कम टाइम में आपके कपड़े हो जाएंगे, वो तब आप ये क्विक वॉश कर सकते हो। और सिलेक्ट करने के लिए बटन यहाँ पर साइकिल दिए है बटन, तो इसको आपको हर बार दबाना है। जैसे एक प्रेस किया क्विक वॉश पर आ गया, और प्रेस किया डेलिकेट की पे आ गया, और एक बार प्रेस किया सोक, ब्लैंकेट्स एंड इको टर्बो क्लीन। इको टर्बो क्लीन मतलब ये अपने आप ही, इस बटन पर आप ऑन करते हो तो ये आपका जो वॉशिंग मशीन है वो क्लीन कर देगा ऑटोमेटिक। और फिर आते हैं डेलिकेट्स, जो नरम, मुझे बहुत डेलिकेट्स कपड़े हैं उनके लिए डेलिकेट्स आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। सोक प्लस नॉर्मल, यहाँ अगर आपको बाहर सोक नहीं करना है तो यहाँ पर ही सोक करके कपड़े और धो सकते, तो उसके सोक प्लस नॉर्मल, तो इसका टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा। ब्लैंकेट्स है, आप ब्लैंकेट अगर डाल रहे हो तो ब्लैंकेट्स यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। इको टर्बन तो हमने बता दिया, ठीक है। ये डिले एंड है, अगर आपको टाइमिंग और बढ़ानी है तो ये डिले एंड करके बटन आती है, वो आपको ही करनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप वाटर लेवल देख सकती हो, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये वाटर लेवल है। वैसे तो मशीन आप जब भी लोड डालते हो कपड़े का, उसके अनुसार ही वो खुद ही ऑटोमेटिकली यहाँ पर पानी एडजस्ट करती है। पर कभी कभार आप अगर बाहर से पानी डालना चाहते हो वॉशिंग मशीन में, या फिर सोख के हुए कपड़े डालते हो, तो वॉशिंग मशीन क्या करती है, वो 5 पर ही जाती है, तो आप अपने हिसाब से पानी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये वाटर लेवल के बटन हैं, तो ऐसे, ठीक है। अभी मैंने कुछ लोड डाला नहीं है इसलिए ये फुल इस पर है, पर आप इसमें कुछ लोड डालोगे ना यहाँ पर कपड़े, तो आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकोगे, लेवल 1 2 3 4 ऐसे आप एडजस्ट कर पाओगे लेवल पे, जितना भी आप लोड, क्योंकि हर बार हमारे फुल 6 kg तो कपड़े होते नहीं है, कभी भी हमको कम भी कपड़े डालते हैं, तो उस हिसाब से हम वाटर लेवल 1 2 3 4, बस यहाँ पर आपको बटन दबाना है और आपकी वाटर लेवल एडजस्ट हो जाएंगी।
ठीक है। यहाँ पर ये देख रहे हैं चाइल्ड लॉक है, मतलब बच्चे कोई गड़बड़ ना कर सके इसलिए हम चाइल्ड लॉक भी कर सकते हैं। तो हमको ये दोनों बटन एक साथ ही प्रेस करके इसे 3 सेकंड तक रखना है, फिर ये ऑटोमेटिकली चाइल्ड लॉक हो जाएंगी। और यहाँ पर मानसून दिया है, अगर आपको और भी जैसे मानसून में हमको और भी ड्राई कपड़े चाहिए तो ये मानसून के बटन दबाकर आप और भी टाइम बढ़ा सकते हो और भी ड्राई आपके कपड़े हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो आपके कपड़े वॉश हो रहे हैं, रिंस हो रहे हैं या स्पिन हो गए। ठीक है, वॉश मतलब जब हम कपड़े डालते हो और वॉशिंग मशीन स्टार्ट होती है, स्पिन मतलब तो उसे वॉश पर आपको ये लाइट दिखाई देगा। रिंस मतलब जब वो घूम के जब निचोड़ के स्टेज पर आएगी तो आपको ये रिंस के बटन यहाँ पर दिखाई देगी। फिर आखिर में स्टेप होती है स्पिन की, तो जब कपड़े थोड़े ड्राई होने लगेंगे तो वो स्पिन पे आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, कभी कभी हमको होता है कि हम अगर कपड़े वॉश किए, ठीक है, आपने अगर बाहर वॉश किया और आपको सिर्फ सुखाना है तो इसे भी यहाँ से आप वो भी एडजस्ट कर सकते हो। डायरेक्ट आप स्पिन के बटन डालकर आप यहाँ पर ड्राई कर सकते हो। सो ये भी एक फंक्शन है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप पूरी बटन्स यहाँ पर दी गई है और यहाँ पर है स्टार्ट। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर लोड डाला कपड़े का और आपको यहाँ पर स्टार्ट की बटन डालना है, फिर ऑटोमेटिक ये वाटर ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। आप देख रहे हो वाटर यहाँ पे, और आपका जो क्लीन होता है कोई भी आप तो यहाँ से ये क्लीन कर सकते हो। मतलब हर टाइम आपको ये करोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि जो भी धागे क्लीन होते हैं अपने कपड़ों के यहाँ पे वो निकल आते हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे तो ये जमा होते हैं, तो आपको यहाँ पर इसे हर बार क्लीन करना होगा। तो ये भी एक अच्छा फंक्शन है। तो ये मैंने ऑन करते ही वाटर स्टार्ट हो गया। ठीक है, अभी लेवल दिखाती हूँ आपको। ठीक है, अभी लेवल तो एडजस्ट नहीं हो रही क्योंकि इसमें मैंने लोड नहीं डाला है, तब आप कर सकते हो। ठीक है, अभी 92, अब मैंने यहाँ पे इको टर्बन देखा है तो 92 है। अब पॉज करती हूँ, अगर आपको ये सेटिंग बदलना है, ठीक है, नॉर्मल लानी है तो और स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फिर टाइमिंग थोड़ा कम होगा, ठीक है, जो नॉर्मल के लिए थोड़ा टाइम कम होता है। फिर वैसे ही आपको अगर दूसरा फंक्शन पर जाना है क्विक वॉश में, फिर से आप स्टार्ट कर सकते हो, ये टाइमिंग कम होगा। ठीक है, यहाँ पर आप वॉश के हिसाब से आपकी टाइमिंग भी वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी टू यूज़ है, बहुत ही आप और बहुत ही आप मतलब बहुत अफोर्डेबल भी है और बहुत इजी टू यूज़ भी है। आई होप फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। और इसके जो कॉस्ट है वो 14,000 से लेकर 15,000 के बीच है, मैं वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इसका लिंक। हमने ये अमेजोन से बाय की थी, आप वहाँ से भी कर सकते हो या फिर आपके लोकल जो दुकान है वहाँ से भी कर सकते हो, पर हमने लोकल में यहाँ हमने देखा था तो थोड़ी कीमत ज़्यादा पड़ रही थी एज़ कम्पेयर टू अमेजोन। तो आई थिंक अमेजोन से परचेज करना बहुत अफोर्डेबल होगा। तो फ्रेंड्स, ये था रिव्यू सैमसंग का फुली ऑटोमेटिक मशीन। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के, मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट टाइम इस पर और भी डिटेल में वीडियो बनाऊँ अगर कुछ छूट गया हुआ। एंड फाइनली फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर